कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, बढ़ता चला आ रहा है चीन, इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका, कि जो रोज टीवी पर शाम को चलता है, खुदाई में ये मिला, ये मेरा है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, क्यों हो रहा? ये इसीलिए हो रहा है कि चीन लगातार हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला बोल रहा है। एज वी स्पीक चाइना इज ट्रेसपासिंग, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। वी आर डिमोरलाइजिंग आर ओन आर्म्ड फोर्सेस। कितनी ही नकली छवि हो प्रधानमंत्री की, तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ उस छवि को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कल विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की और जो शब्दों का इस्तेमाल किया, ये हमें महसूस करते हैं कि ये चीन के कब्जे वाला इलाका है, उस पर स्पष्टीकरण दें। वी वॉन्ट एन इमीडिएट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी भारतीय रेल ने चीन की कंपनी को कितना बड़ा ठेका दिया, जरा पूछिए। तो ऐप बैन करके आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो और चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी इज दैट ऑफ लैंग्वेज, और हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कल क्या शब्द इस्तेमाल किए। इट इज फेल्ट कि चीन का कब्जा है उस जगह पर। यह हम महसूस करते हैं कि चीन का कब्जा है, माफ कीजिएगा, महसूस नहीं करते, चीन का कब्जा है। यह हमारे देश की पोजीशन रही है, ये हमारा स्टैंड रहा है हमेशा से। तो हम इस बात से लेकर बहुत चिंतित हैं कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। आपने और हमने पिछले वक्तव्य प्रधानमंत्री का सुना, अब 2 साल होने आए हैं उस वक्तव्य को, जून में ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, वो एक क्लीन चिट थी। कल विदेश मंत्रालय ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया चीन का, जो हमारे बढ़ता चला आ रहा है चीन, इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका। यह छोटी बात नहीं है। नंबर एक, चीन निरंतर बढ़ रहा है, दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है पैंगोंग झील पर। यह जो पुल है वो इतना चौड़ा है कि सेना के, चीनी सेना के पीएलए के बड़े बड़े वाहन, आर्टिलरी उस पर से गुजर सकती है। और जो दोनों सिरे हैं पैंगोंग झील के, उन दोनों सिरों पर एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है, उनका वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द पीएलए टू एनेबल द पीएलए टू ब्रिंग आर्टिलरी सपोर्ट थ्रू दीज ब्रिजेस। दिस पर्टिकुलर ब्रिज विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन इज अ ब्रॉडर ब्रिज एज कंपेयर टू द फर्स्ट ब्रिज। हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, और हम यह पहले बोलने से पहले विदेश मंत्रालय से गुजारिश भी करेंगे कि कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर फिर बात कीजिए, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। वी आर डिमोरलाइजिंग आर ओन आर्म्ड फोर्सेस एंड इट इज शॉकिंग टू सी दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज अंडरमाइनिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री। आई विल टेल यू हाउ। ये जो निर्माण हो रहा है, ये ना केवल हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला है, जो संघर्ष विराम हुआ था ये उसका उल्लंघन है, और वो संघर्ष विराम के चलते भारत ने, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, उस संघर्ष विराम के चलते भारत ने जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पे कब्जा था भारत का,
हमारे बहादुर सैनिकों ने वो कब्जा किया था, वो छोड़ दिया था। तो संघर्ष विराम की पालना हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है, चीन उसका उल्लंघन कर रहा है, और विदेश मंत्रालय आकर उनको दूसरी क्लीन चिट दे रहा है, पहली प्रधानमंत्री ने दी थी। आज समझ में आता है कि जो रोज टीवी पर शाम को चलता है कि खुदाई में ये मिला, ये मेरा है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि चीन लगातार हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला बोल रहा है। एज वी स्पीक चाइना इज ट्रेसपासिंग, एज वी स्पीक चाइना इज वायलेटिंग द सीज फायर अग्रीमेंट, एंड दिस इज द सेम सीज फायर अग्रीमेंट अंडर विच इंडिया गेव अप द वेंटेज पॉइंट्स दैट वी हैड अंडर आवर पोजिशन, एंड वी गॉट दैट वेंटेज पॉइंट अंडर आवर पोजिशन थैंक्स टू आवर ब्रेव आर्मी। सो वेन एवर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पीक्स, आई डोंट नो वॉट इज देयर कंपल्शन, इट अपियर्स दो दैट एवरी सिंगल मिनिस्ट्री ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज वन पॉइंट एजेंडा, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हाउसोएवर फेक इट इज द इमेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कितनी ही नकली छवि हो प्रधानमंत्री की, तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ उस छवि को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की छवि का क्या होता है, देश की सीमाओं का क्या होता है, देश की 60 साल की जो पोजीशन होती है कि ये चीन के कब्जे वाला इलाका है, आप उस पोजीशन को भी सरेंडर करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि को बचाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश को बचाना आपके लिए या देश की सीमाओं को बचाना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कल विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की और जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि हमें महसूस करते हैं कि यह चीन के कब्जे वाला इलाका है, उस पर स्पष्टीकरण दें। वी वॉन्ट एन इमीडिएट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वर्ड्स यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यस्टरडे दैट इट इज फेल्ट that that area is under Chinese occupation. If the government of India does not clarify, agar Bharat sarkar ispe spashtikaran nahi deti hai, to yah mana jayega is desh dwara ki Bharat sarkar pradhan mantri ki chhavi bachane ke liye kisi bhi had tak jane ko tayar hai, apni simaon ki raksha karne ko tayar nahi hai, aur jo pichle kai dashakon se हम जिसे अपना इलाका मानते आए हैं, भारत सरकार उस पर भी आंखें मूंदने को तैयार है। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न, इश्यू ऑफ कंसर्न फॉर ईच वन ऑफ अस। थिंक अबाउट द कंट्री, थिंक अबाउट द ब्रेव आर्मी ब्रेविंग ऑल ऑड्स ऑफ वेदर ऑफ द एनिमी एंड वेलियंटली प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स। एक बार उनकी चिंता कीजिए। हम जब यहां एसी के कमरों में बैठे होते हैं, वो वहां जूझ रहे होते हैं खराब मौसम से, दुश्मन से, खतरों से, अपनी जान पर खेलते हैं, उनके भी परिवार हैं घरों में, गांवों में, शहरों में। प्रधानमंत्री अपनी छवि की चिंता कुछ वक्त के लिए भूल जाएं और खुलकर बोलें कि चीन उस इलाके पर पुल बना रहा है जो भारत का है और चीन का उस पर अनधिकृत कब्जा है। मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे देशभक्त हैं, नहीं तो ये छद्म राष्ट्रवाद हमने बहुत देख लिया आपका। आपके सवाल दोनों एंड्स हैं लेक के, उन दोनों पर से एक एक पुल आ रहा है। पहला पुल इतना चौड़ा नहीं था, दूसरा पुल इतना चौड़ा है कि सैन्य उपकरण, आर्टिलरी डिविजन, यह सब उस पर से आ सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से, जिन स्थानों पर, जिन पॉइंट्स पर चाइना अपने उपकरण लगा रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसके बाद जो एडवांटेज हमें मिलता था वो एडवांटेज हम खो चुके होते हैं। जो सामरिक दृष्टि से भारत को एडवांटेज मिल सकता था, अब ऐसी कोई हाइट नहीं है वहां जहां हम रुक कर, हमारी सेना ठहर कर मुकाबला वहां कर पाए।
क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां चीन अपना काम करता चला गया जब मोदी जी अपनी छवि निखार रहे थे तब। आपको कई बार हम उदाहरण देते हैं और जब ये उदाहरण देते हैं तो कोई खुशी नहीं होती, मन में दुख होता है। दुख क्यों होता है कि विदेश नीति, पहले भी सरकारें, गैर कांग्रेस की सरकारें आई थी, विदेश नीति से कोई खास छेड़छाड़ कोई नहीं करता। अटल जी की सरकार थी, लगभग उसी विदेश नीति पर चलते थे। मोरारजी भाई की सरकार थी, लगभग उसी, और इंदर कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार, कोई भी विदेश नीति से छेड़छाड़ नहीं करता। यह पहला उदाहरण आपको मिलेगा जिसका नतीजा सबके सामने है कि आज छोटे छोटे देश भी हमें आंख दिखा देते हैं। यह पहला उदाहरण आपको मिलेगा जहां प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ का उनका एक एजेंडा है कि तालियां कैसे बटोरनी है घर में और घर से बाहर। तो तालियां बटोरने का जो इवेंट होता है वो तो एक घंटे का होता है, दो घंटे का होता है, लेकिन उस दौरान जो आप कर देते हो उसका खामियाजा देश भुगतता है। और चीन का आप क्या जवाब देते हो? ऐप बैन कर दी। अभी भारतीय रेल ने चीन की कंपनी को कितना बड़ा ठेका दिया जरा पूछिए। तो ऐप बैन करके आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो और चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हो, तो आपकी नियत में खोट है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी समझ, माफ कीजिएगा, बहुत बौनी समझ है, आपकी समझ नहीं है। और जिनके पास समझ है, अफसरों के पास होती है, ब्यूरोक्रेसी के पास होती है, आप अपने आप को उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, आप अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तो जो आदमी इस गलतफहमी का शिकार होता है कि मेरे अलावा और किसी को कुछ नहीं मालूम, वो ऐसी गलतियां करता है, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी।